What's up, guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover again. देखिए, already first video में upload कर चुका हूँ, ये हमारी second video है, ठीक है? तो इस video में हम news analysis वगैरह करेंगे, questions वगैरह देखेंगे और morning में जो questions दिए थे उनके answer देखेंगे, okay? देखिए, जो first page पर भी है news और page 10 पर भी है, आधार कार्ड और पैन कार्ड से connection करने की बात चल रही है, जो कि हम लोग पहले भी कर चुके हैं. देखिए, आधार कार्ड के बारे में आप लोगों को पहले बता चुका था, आज थोड़ा देख लेते हैं पैन कार्ड के बारे में. जो पैन कार्ड फर्स्ट टाइम इशू किया गया था वो 1972 में इशू किया गया था, ठीक है? तो 1972 में इशू किया गया था. इसका पर्पज क्या था? पर्पज था आइडेंटिफिकेशन ऑफ द इनकम टैक्स. जो इनकम टैक्स होता है उसको आइडेंटिफाई करने के लिए इसका पर्पज था, कि प्रॉपर वे में आइडेंटिफाई किया जा सके किस किस को इनकम टैक्स देना पड़ता है. ओके, देखिए, जिस तरीके से जो आधार कार्ड होता है वो 12 डिजिट होता है, ठीक है? चलिए, क्वेश्चन में बताइएगा कि पैन कार्ड कितने डिजिट का होता है. ओके, ये आप लोगों के लिए क्वेश्चन होंगे, इसको देखिएगा. ये देखिए, जो इशू किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है? नॉर्मल सी बात है, जब इनकम टैक्स पे करना है तो इनकम टैक्स, इंडियन इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा पे किया जा वो इशू किया जाता है, जो कि अंडर में आता है सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्स, जिसको बोलते हैं CBDT, जिसका आप लोगों ने देखा होगा जब SSC के थ्रू जो फॉर्म निकलता है उसमें पोस्ट भी होती है इसकी, तो उनके द्वारा इसको इशू किया जाता है. तो देखिए, होता क्या है यहाँ पे, ये बोला जा रहा है कि अगर इसके साथ में आधार कार्ड के साथ में पैन कार्ड इशू, वो पैन कार्ड कनेक्ट कर देंगे, तो बहुत सारे जो फर्जी आदमी है, कई सारे ऐसे आदमी है जो कि बहुत सारे पैन कार्ड जो फर्जी बनवा रखे हैं इन्होंने. देखिए, यहाँ पे बोला भी है 5 to 10 lakh पैन कार्ड जो फर्जी बनाए जाते हैं, फेक बनाए जाते हैं एवरी ईयर, समझ रहे हैं? 5 to 10 lakh. तो लेकिन अगर उनको पैन कार्ड को आधार कार्ड से कनेक्ट कर दिया जाएगा, आप लोग सभी जानते हैं कि आधार कार्ड बनाने के लिए प्रॉपर इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है, मतलब एक आदमी का होना जरूरी है, उसकी एक मतलब ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन रहती है मैक्सिमम, वो आदमी होगा तभी उसका आधार कार्ड बन पाएगा. अगर उसका पैन कार्ड से कनेक्शन कर देंगे तो उससे क्या होगा, चीजों को हैंडल करने में आसानी रहेगी और एक तरीके से मतलब आसान हो जाएगा तरीका. तो जो फेक पैन कार्ड बन रहे हैं, फेक पैन कार्ड पर भी रोक लग जाएगा, ठीक है? क्योंकि देखिए, एक तो फेक पैन कार्ड बन गया, उसके बाद में जब पैन कार्ड से इनकम टैक्स का एक ब्यूरो लिया जाता है तो फिर इनकम टैक्स ही कौन दे पाएगा. तो इसलिए एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देने के लिए इसको इससे कनेक्ट किया जा रहा है. ओके, आगे जो ये साइड में पिक्चर दे रखी है, हम लोग ये सारी चीजें कई बार डिस्कस कर चुके हैं. देखिए, इन सब चीजों में दे क्या रखा है यहाँ पे. पहले एक बार बोला गया था कि पैन कार्ड उसको आधार कार्ड को मैंडेटरी कर दो, ठीक है ना, स्कीम्स में मैंडेटरी कर दो. सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी. उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि स्कीम्स में मैंडेटरी करो, ओनली उन स्कीम में मैंडेटरी करो जो कि सोशल सिक्योरिटी की स्कीम नहीं है, जैसे पैन कार्ड वगैरह बनाने के लिए हो गया, ये चीजें होगी. पर लेकिन अगर आप इनको मिड डे मील स्कीम दी जाती है बच्चों को स्कूलों में, अगर उनपे भी मैंडेटरी कर देंगे तो बच्चों को खाना नहीं मिल पाएगा, तो ऐसी जगह इसको मैंडेटरी मत करो, ठीक है? उसके अलावा भी कई जगह देखने को मिला, हर बार सुप्रीम कोर्ट इसमें टांग अड़ा देते थे, वो बोलते थे कि इसको मैंडेटरी नहीं करना है आपको, पर लेकिन गवर्नमेंट बार बार लेके आ रही है. इसके बाद में आधार बिल भी पास किया गया गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि एक मनी बिल की तरह पास किया गया, क्योंकि अगर मनी बिल की तरह पास ना करते, इसको नॉर्मल बिल की तरह पास करते तो राज्यसभा से पास कराना पड़ता, फिर राज्यसभा इसमें अपना मतलब रोक लगाती, जिस तरीके से कि राज्यसभा में जो कि गवर्नमेंट है उसकी मेजोरिटी नहीं है. ओके, तो ये सब चीजों को देखते हुए बहुत सारी कॉन्ट्रोवर्सी चलती रहती है आधार कार्ड से रिलेटेड. तो आधार कार्ड के बारे में थोड़ी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि आधार कार्ड एक्चुअल में है क्या, और खासकर सबके पास में है, थोड़ी थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए इन दोनों के बारे में. और खासकर एक चीज को लेकर आधार कार्ड और बहुत ज्यादा यूज, एक बहुत ज्यादा न्यूज में रहता है, वो क्या है, जनधन से जो जैम ट्रिनिटी बनाने की बात चल रही है, जनधन, आधार कार्ड और मोबाइल, ठीक है ना, जनधन हो गया, आधार कार्ड और मोबाइल, जो जैम ट्रिनिटी बनाई जाती है कि जनधन के कार्ड को आधार कार्ड और मोबाइल से कनेक्ट कर दो तो एक प्रॉपर वे में इंप्लीमेंट हो जाएगा, जिससे कि जो डायरेक्ट जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम होता है उसको बहुत आसानी से इंप्लीमेंट किया जा सकेगा, जो कि लीकेज वगैरह होते हैं. हम लोगों ने इकोनॉमिक सर्वे का यूनिवर्सल बेसिक इनकम वाला जो 15 लेक्चर है उसमें देखी थी हमने सारी चीजें, कि किस तरीके से आधार कार्ड इन सब चीजों में फायदा पहुंचाया जा सकता है और किस तरीके से लीकेज को कम कर सकता है. तो वो सारे इशू इकोनॉमिक सर्वे में बहुत अच्छे से डिस्कस किए गए थे, ठीक है? तो उसके बारे में जिक्र कर रहे हैं. और थोड़ा देखिए यहाँ पे, मतलब जो जस्टिस सीकरी हैं ये भी बोल रहे हैं कि वी आर द सिटीजन, मतलब सिटीजन होते हुए वी डोंट वांट टू पे द इनकम टैक्स. तो ये बोल रहे हैं हमको अपने ऊपर शर्म आनी चाहिए, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अपनी जेब से पैसा थोड़े ना लाएगी, कोई मंत्री या अपनी जेब से पैसे थोड़े ना लेके आएंगे, तो हम ही उनको पैसा पे करेंगे जो पे करने के काबिल है, तभी जाके तो हमारी वेलफेयर की स्कीम जो गरीबों के लिए या BPL आदमियों के लिए इंप्लीमेंट की जाएगी. अगर हम वही नहीं करते हैं तो किस तरीके से स्कीम वगैरह इंप्लीमेंट की जाएगी. तो इसी तरीके से ये आर्टिकल यहाँ पे आया हुआ था. ओके, पेज फर्स्ट पे न्यूज है, श्रिंकिंग द होम फॉर द एंडेमिक बर्ड्स. देखिए, बहुत सारी बर्ड्स ऐसी होती हैं जो कि आज की डेट में शेल्टर नहीं पा रही हैं, अपना घोंसला बनाने के लिए जगह नहीं पा रही हैं. और खासकर कौन सा एरिया है,
खासकर ये वाला एरिया है जो कि नीचे जी की ये वाला एरिया होता है, खासकर वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वाला एरिया। ठीक है, देखिए जो वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट वाले एरिया हैं हमारे, ये यहाँ पे चार पार्ट में डिवाइड हो रखे हैं। ठीक है, एक तो ये पार्ट है यहाँ पे, एक ये पार्ट बोला जाता है, एक इधर ये पार्ट बोला जाता है और एक इधर ये पार्ट बोला जाता है। तो अभी जो मैं बात करूंगा यहाँ पे ये वाले पार्ट की बात करूंगा, इसको बोलते हैं मालाबार कोस्ट। ठीक है ना, इसका नाम मैंने बता दिया है। अब जो ये तीन बच गए हैं इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। थोड़ा मैप देखिएगा, अच्छे से देखिएगा थोड़ा इंडिया का मैप, आप लोगों को कम से कम, हम इंडियन के इंडियन है तो कम से कम यार इंडिया के मैप के बारे में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन पता होनी चाहिए। ठीक है ना, तो ये सारे कोस्ट को एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा अच्छे से आप लोगों को पता चल जाएगा। और यहाँ पे अभी हम मालाबार कोस्ट की बात कर रहे हैं, खासकर जो वेस्टर्न घाट पे है, तो यहाँ पे ये इसी का जिक्र यहाँ पे किया गया है अभी। तो यहाँ पे अभी दो बर्ड का जिक्र कर रहा है, पहले तो यहाँ पे देखिए इस बर्ड को बोल रहे हैं ग्रे हॉर्नबिल। ठीक है ना, ये ग्रे हॉर्नबिल यहाँ पे मैंने आप लोगों को दिखाई भी है पिक्चर में, ये मालाबार कोस्ट में पाई जाती थी। ठीक है, तो इसका जो एरिया था IUCN के द्वारा, IUCN होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ द नेचर, तो वर्ल्ड में जहाँ पे भी नेचर को कंजर्व करना है उसके बेस पे ये कई सारी लिस्ट निकालता है और उसमें डिवाइड कर देता है कि कौन कौन सी डेंजर है, कौन कौन सी इनडेंजर है, कौन कौन सी डेंजर से बाहर है और कौन कौन सी एक नॉर्मल कंडीशन में, कौन सी वल्नरेबल हो गई। ये सारा हमने लास्ट लेक्चर में देखा था, ये सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी, जो आप रेगुलर सुन रहे हैं उनको पता होगा ये सारी चीजें। ठीक है, तो ये इस तरीके से लिस्ट निकाल देता है और सब जगह डिवाइड कर देते हैं कि कहाँ कहाँ पे कौन सी जाति और कौन सा पक्षी किस तरीके से डेंजर और इनडेंजर्ड जोन में है। ठीक है, तो उसके बाद में देखिए इन्होंने एक स्टडी की गई, उसके उसके हिसाब से इन्होंने देखा कि ये लीस्ट कंसर्न है। ठीक है ना, जो ये हॉर्नबिल है इसके बारे में जिक्र कर रहे हैं, और इसका जो एरिया था उसका एरिया था लगभग 2.3 लाख स्क्वायर किलोमीटर, केरला और कर्नाटका में। तो केरला और कर्नाटका में ये देखिए यहां तक का एरिया था लगभग। ठीक है ना, केरला और कर्नाटका वाला ही हो गया मालाबार कोस्ट वाला जो मैंने आप लोगों को अभी बताया था। तो लेकिन अब जब इन्होंने फिर से देखा है तो ये एरिया घटके आज की डेट में 43,000 में रह गया ओनली। ये देखिए 43,000 स्क्वायर किलोमीटर, तो ये बोला 81% लगभग एरिया घट गया है। तो इतने लार्ज स्केल पे आज की डेट में एफोरेस्टेशन कह सकते हैं आप लोग, माइनिंग कह सकते हैं, या फिर लोगों की बदतमीजी कह सकते हैं कि इतनी ज्यादा हो चुकी है कि अपने अलावा और किसी के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, बस अपना भला तो जग भला, तो ये वाली कंडीशन चल रही है। तो इसी के ऊपर इशू कंसर्न इन्होंने उठाया। तो आप लोग याद रख सकते हैं कि इंडेमिक जो ये कई बर्ड के नाम पूछ ले जाते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे अभी बात कर रहे हैं नीलगिरी पीपिट या पाइपिट जो भी इसको आप बोलो, इसके बारे में बात कर रहे हैं कि इसने भी लगभग 88% जो हैबिटेट है वो अपना लॉस कर दिया है और इसको इंडेंजर्ड रेदर देन वनरेबल इंडेंजर्ड बना दिया इसको। तो इसका याद रखिएगा, इसके बारे में पूछा जा सकता है, खासकर द हिंदू में इस तरीके की न्यूज आती है तो वो डायरेक्ट पूछ ली जाती है एग्जाम में। ठीक है ना, तो नाम याद रखिएगा इसका बर्ड का भी। ठीक है, और ये केरला वाले जो मालाबार वाला कोस्ट है वहां पे पाई जाती है, तो इसको भी थोड़ा याद रखिएगा। ये यहाँ पे न्यूज दे रखी थी सुगर कैन से रिलेटेड, जिसको हम गन्ना भी बोलते हैं। तो सुगर कैन जो गन्ना होता है उसको अभी उत्तर प्रदेश की यहाँ पे बात की गई है, तो उत्तर प्रदेश में लगभग 4,000 करोड़ फार्मरों का भी बकाया बचा हुआ है, उनको पे नहीं किया गया है। तो ये तो देखिए न्यूज ज्यादा काम की नहीं है अगर देखा जाए न्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से, वैसे किसानों के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है पर लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसी नहीं है। हमको क्या देखना है, हमको ये देखना है कि हमारी कंट्री में 10 ऐसे कौन से स्टेट है जिसमें सबसे ज्यादा गन्ना उगाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने ये सारी लिस्ट में आप लोगों को डाल दिया है ये सारा, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो सबसे कम से कम चार का, तो चार पांच का ऊपर के नाम याद रख लीजिए। सबसे ऊपर है उत्तर प्रदेश, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे कर्नाटका, फिर है तमिलनाडु और फिर है बिहार। कम से कम चार पांच के नाम याद रखिएगा, अगर कोई ट्रिक बना सकता है तो ट्रिक बना के नीचे उसको शेयर कर दीजिएगा जिससे कि और भी बंदे देख सके। देखिए ऐसा किया कीजिए, एक थोड़ा सा आप लोगों को रिक्वेस्ट बोल लीजिए, सजेशन बोल लीजिए, जो भी आप लोगों को सुटेबल लगे। देखिए एक नीचे जो कमेंट बॉक्स में बहुत सारे बंदे कमेंट करते हैं, तो आप लोग क्या कर सकते हैं एक दूसरे का आंसर दे सकते हैं, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे कई सारे आंसर करते हैं, बहुत एक्सप्लेनेशन देके अच्छे से आंसर रहते हैं कमेंट बॉक्स में। तो आप लोग वहां से भी आंसर पढ़ सकते हैं और एडिशन कर सकते हैं उनके पॉइंट में, और अगर कोई और आंसर लिख रहा है, अगर कोई कुछ क्वेश्चन पूछ रहा है तो उसका रिप्लाई कर सकते हैं। हालांकि कई बंदे कर भी रहे हैं, जानता हूँ मैं उनको, नाम से जानता हूँ जो बंदे एक दूसरे का रिप्लाई कर देते हैं। तो आप भी एक दूसरे का रिप्लाई कर दिए कि अगर कोई क्वेश्चन आंसर पूछा है, तो देखिए एक म्यूचुअल इंटरेक्शन बनाइए जिससे कि सब लोगों को फायदा रहे, आपको भी फायदा रहेगा, वो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है बंदा, तो आपकी भी एक मतलब सोचने की डायमेंशन एड हो जाएगी आपकी भी थिंकिंग। ठीक है ना, तो थोड़ा सा उसको देख के चलिए, अगर कोई आंसर पूछ रहा है तो उसका रिप्लाई कर दीजिए कि अगर कोई कुछ पूछ रहा है तो। सॉरी पेज बताना भूल गया यार मैं एक्चुअली। देखिए पेज फर्स्ट पे न्यूज थी जो वो इंडेमिक बर्ड वाली थी, और जो एक सुगर कैन वाली न्यूज थी ये थी पेज सेकंड पे। ठीक है, अब हम आ गए हैं पेज सिक्स पे। तो पेज सिक्स पे देखिए क्या बोला गया, डल लेक। डल लेक का नाम लेते ही जम्मू कश्मीर में आप लोग सोचते होंगे कितनी अच्छी लेक है, सब मतलब एक मन में अच्छी अच्छी चीजें आने लगती है, पर लेकिन आज की डेट में इतनी ज्यादा पोल्यूटेड हो चुकी है ये, इसके बारे में जिक्र किया जा रहा है। जो जम्मू कश्मीर का हाई कोर्ट है उन्होंने क्या किया, इसको बोला है, बहुत फटकार लगाई है,
जो इसको कंजर्व करने वाली अथॉरिटी है कि इसको कंजर्व करो, बहुत बुरी कंडीशन हो चुकी है, वरना देखिए यहाँ पे बिल्कुल काई जम चुकी है पूरी लेक के ऊपर, ठीक है। तो उसी से रिलेटेड ये न्यूज आई है, श्रीनगर में है, यही याद रखना है, कम से कम इतना पता होना चाहिए, क्योंकि जो श्रीनगर है हमारा काफी न्यूज में आजकल, जम्मू और कश्मीर वाला एरिया, तो इसके बारे में बस ये नाम आप लोग याद रख सकते हैं, इसको श्रीनगर का ज्वेल्स भी बोला जाता है, और या फिर ज्वेल्स इन द क्राउन ऑफ कश्मीर, ठीक है ना। तो ये दोनों ही इसके नाम है जिसके बेस पे बोला जा सकता है, तो इस तरीके के नाम कई बार पूछ लिए जाते हैं, ओके, तो आप लोगों को याद रखना है। आगे देखिए, और तो फायदेमंद है ये किसी लिए, कमर्शियल ऑपरेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से तो फायदेमंद है ये यहाँ पे, ठीक है। तो फिशिंग वगैरह और फिर वाटर प्लांटेशन हार्वेस्टिंग, इन सब चीजों के लिए फायदेमंद है ये। और देखिए ये केयर टेकर जो की जाती है वो किसके द्वारा की जाती है, वाटर डिपार्टमेंट अथॉरिटी, लैंड एंड लेक वाटर डिपार्टमेंट अथॉरिटी, ठीक है ना। तो इसको बोला है कि यार चीजों को ध्यान रखो, मतलब बहुत से बोलते हैं कि लैक ऑफ अप्रोच और इनसफिशियंट स्टाफ स्टाफ वगैरह चीजें बोलते हैं, तो क्यों उनको मतलब आप लोग जॉब नहीं देते हैं, तो प्रॉपर इसको प्रिजर्व करो, क्योंकि ये नेचुरल यार इस तरीके से अगर बेकार होंगी तो कैसे काम चलेगा, तो फटकार लगाइए। तो दो चीजें नाम याद रखिएगा, क्या बोला जाता है इसको जम्मू कश्मीर में, और दूसरा डल लेक कश्मीर में पाई जाती है, तो काइंड ऑफ श्रीनगर में, तो काइंड ऑफ चीजें याद रखिएगा जम्मू में, ओके। आइए आगे चलते हैं। देखिए हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था आर्टिकल, उसमें हमने जेनरिक दवाई के बारे में देखा था, तो वहां पे हम लोगों ने क्या देखा था कि देखिए एक एक्सक्लूसिव डेटा के बारे में हम लोगों ने बात करी थी। एक्सक्लूसिव डेटा के बारे में शॉर्ट में बता देता हूँ, एक मिनट में। देखिए जो दवाई बनाई जाती है तो उसमें काफी टाइम लगता है, टाइम लगता है उसमें, काफी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, और जानवरों पर भी, आदमी पर भी, ह्यूमन पर भी एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं, तो तब एक काफी रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बाद में तब जाके कोई मेडिसिन तैयार होती है। तो जो 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 प्रोसेस वहां पे किया जाता है उसका एक डेटा तैयार होता है, एक फाइल वगैरह बनाते हैं, जैसे आप लोगों ने प्रैक्टिकल कभी किए किए होंगे, जब उस टाइम पे आप लोगों ने फाइल सबमिट की होगी अपनी, तो जो फाइल बनाई जाती है उस फाइल को यहाँ पे क्या रखा जाता है, एक सीक्रेट फाइल की तरह रखा जाता है, कम से कम 20 ईयर, तो 20 ईयर के लिए लिए लिखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसको यूज करके कोई दवाई ना बना सके, क्योंकि जिसने इतना मेहनत किया है, जितने इतना खर्चा किया है, वो उसको उसको उसका फायदा पहुंच सके। अगर किसी को कुछ इसको फायदा नहीं पहुंचेगा तो क्यों इतनी मेहनत करेगा ये बंदा, ठीक है। तो इसीलिए ये बोला गया है कि मतलब तो ये होता है, पर लेकिन यहाँ पे क्या बोला जाता है इंडिया में कि देखिए हम जो दवाई बनाते हैं वो नॉर्मली बनाते क्या है, सोसाइटी के लिए बनाते हैं। अगर इसको इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। बहुत सी कंपनी ऐसी रहती है एवरग्रीनिंग करने की सोचती है, क्या एवरग्रीनिंग करने की सोचती है कि दवाई बनाई, मान लीजिए दवाई में ए बी सी और तीन कॉम्पोनेंट है, तो ये क्या करते हैं जब 20 साल के बाद में पेटेंट खत्म होने वाली बात आती है, तो इसमें ए बी सी के साथ में एक डॉट और जोड़ देते हैं और बोलते हैं हमने इसे बहुत बड़ा चेंज कर दिया और फिर से एक पेटेंट दे दो 20 साल के लिए। तो ये इस तरीके की चीजें करने की कोशिश करते हैं, तो इसको एवरग्रीनिंग ऑफ द पेटेंट बोलते हैं। पर लेकिन इससे क्या होता है, हमारी गवर्नमेंट इस चीज को अलाउड नहीं करती, और सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी थी। क्यों? क्योंकि इसके बदले में जेनरिक दवाई नहीं बना सकता आदमी अगर एक पेटेंट चलता रहेगा। तो अब होता क्या है, अगर मतलब देखिए जो जेनरिक दवाई बनाई जाती है यहाँ पे, जो इसको क्रिटिसाइज किया गया डॉक्टरों के द्वारा कि ये बना तो दी जाती है जेनरिक दवाई, पर इनको प्रॉपर टेक इसको प्रॉपर देख के नहीं बनाया जाता है, ऐसे ही बहुत ही एक रेगुलेट वे में तरीके से नहीं बनाया जाता है। तो डॉक्टर बोल रहे हैं अगर हम इसको प्रिस्क्राइब करें, अगर हम आदमी अगर हम पेशेंट को बोले कि वो जेनरिक दवाई खरीद ले, तो उसको नुकसान हो सकता है बहुत ज्यादा, क्योंकि इनको प्रॉपर वे में नहीं बनाया जाता है, इनको एक प्रॉपर देख के नहीं बनाया जाता है। तो डॉक्टरों का ये कंसर्न है, ठीक है, डॉक्टरों का ये कंसर्न है। पर लेकिन जो गवर्नमेंट बोल रही है वो हमेशा से यही मतलब पुश करती है डॉक्टरों की, वो जेनरिक दवाई लिखे, क्योंकि देखिए एक जेनरिक दवाई, एक अगर कोई जेनरिक दवाई मतलब आपको 100 रुपए की पड़ रही है, तो उसकी अगर आप उसकी जो मतलब एक नॉर्मल वाली दवाई होती है जो जेनरिक नहीं होती है, अगर पेटेंट वाली दवाई उसकी खरीदे या स्टैंडर्ड वर्जन ऑफ उसका खरीदे आप लोग, तो कम से कम 10,000 का होता है। तो इतना इतना भी डिफरेंस हो जाता है, आप लोगों ने कई बार देखी होगी ये चीज, फील भी की होगी डॉक्टर के पास में जाके, ठीक है। तो यही दोनों मतलब रस्साकसी चल रही है, एक साइड में डॉक्टर बोल रहे हैं हम इनको लिख कैसे दे, अगर कल को किसी कोई एक्सपायर हो गया, कोई मरीज जो कोई क्वालिटी नहीं है इसमें, हम किसी को लिखे और वो मरीज को कोई दिक्कत हो गई, तो फिर भी हमारे ऊपर ही फंदा कसा जाएगा, ठीक है। पर लेकिन गवर्नमेंट बोल रही है कि ऐसा कुछ नहीं है, ये अच्छे तरीके से बनाई जाती है, और इसके द्वारा जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हो रही है उसने भी वेलकम किया है कि जेनरिक दवाइयों को पुश किया जाए, जेनरिक दवाइयों को ही मार्केट में लेके आया जाए। तो डॉक्टर बोल रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी ब्रांडेड दवाई भी हैं जिनको नेशनल लिस्ट ऑफ द एसेंशियल मेडिसिन के अंदर रखा गया है, और जिनको मतलब कम प्राइस में बेचा जाता है, तो हम वो दवाई लिख देते हैं। पर लेकिन जेनरिक दवाई लिखते हुए डर लगता है, क्योंकि अगर हो सकता है कि कोई ऐसे सॉल्ट हो, क्योंकि वो सॉल्ट की जो क्वांटिटी होती है और जो सॉल्ट की जो स्टैंडर्डाइजेशन होता है वो भी एक प्रॉपर वे में नहीं होता है जेनरिक दवाई बनाते हुए। तो ये डॉक्टरों का मत है, ठीक है। पर लेकिन गवर्नमेंट एक आगे फिर क्रिटिसाइज करते हैं कि देखिए एक प्रॉपर वे में रेगुलेट नहीं किया जाता है, ओनली 1800, देखिए 1800 ड्रग इंस्पेक्टर है ऑल ओवर कंट्री। अब 1800 कम से कम एक स्टेट में होने चाहिए, अगर डिस्ट्रिक्ट में नहीं तो एक स्टेट में 1800 होने चाहिए, पूरी कंट्री पर 1800 ये है ड्रग इंस्पेक्टर, तो कहां तक ये काम करेंगे। तो एक प्रॉपर वे में रेगुलेशन नहीं है, और उसके बाद में आप लोग चीजों को इंप्लीमेंट करने चल देते हैं। आप इसका कंपेयर उससे भी कर सकते हैं, डिजिटल इंडिया वाला जब कॉन्सेप्ट आ रहा था, तो डिजिटल इंडिया में जब हम कैशलेस और लेस कैश वाली बात कर रहे थे डिमोनिटाइजेशन के टाइम पे,
तो इंफ्रास्ट्रक्चर तो कहीं पे आप लोगों ने बना नहीं रखी है, इंटरनेट की फैसिलिटी कहीं पे अवेलेबल है नहीं, आप लोग लेस कैश की बात करना स्टार्ट कर देते हैं। तो इस तरीके से पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कीजिए, उसके बाद में ये सारी चीजें बोलिए। तो वो भी इस तरीके के व्यूज हमने आर्टिकल में उस टाइम पे वहां पे डिस्कस किए थे। तो इस तरीके के व्यूज आप लिख सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर वे में चीजें इंप्लीमेंट होनी चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करा देना चाहिए किसी चीज को इंप्लीमेंट करने से पहले। देखिए ये वाला आर्टिकल है पेज 11 पे, ये एनजीओ से रिलेटेड है, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन इनको बोलते हैं। तो पहले एनजीओ के बारे में थोड़ा देख लीजिए। देखिए इनको नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है ना। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन मतलब गवर्नमेंट के द्वारा कोई भी इनको सहायता प्रोवाइड नहीं कराई जाती है, और ना ही किसी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा सहायता प्रोवाइड कराई जाती है। इनको जितना भी पैसा दिया जाता है वो डोनेशन की फॉर्म में दिया जाता है, और डोनेशन की फॉर्म में दिया गया जो पैसा, मतलब एक डोनेशन के फॉर्म में दिया जाता है, अपनी श्रद्धा से पैसा दिया जाता है। और ये वर्क क्या करती है, नॉर्मली देखिए हेल्थ के एरिया में वर्क करती है, एजुकेशन के एरिया में वर्क करती है, या फिर लोगों को वेलफेयर की स्कीम चलाने के लिए वर्क करती है। तो इस तरीके से ग्राउंड लेवल पे वर्क करती है, तो इनको एनजीओ बोलते हैं जो इस तरीके से वर्क करती है, कोई भी इसको चला सकता है, ठीक है। पर इसके देखिए एक प्रॉपर वे में इसको हैंडल करने की बात आती है, क्योंकि देखिए जब गवर्नमेंट के से फायदा नहीं ले रही है, कुछ कर नहीं रही है इस तरीके से, तो फिर भी एक प्रॉपर गाइडलाइन तो होनी चाहिए। मान लो कल को कोई भी एनजीओ, इतनी बड़ी बड़ी एनजीओ है आज की कंट्री में, आज की डेट में कंट्री में, कि वो बहुत ही ज्यादा लार्ज स्केल पे वर्क करती है, अगर हो, अगर पता चला, अगर चाहे तो एनजीओ मतलब एक गवर्नमेंट को मतलब हिला भी सकती है, क्योंकि इतनी बड़ी बड़ी एनजीओ है, ठीक है ना। तो ग्रीन पीस जैसी हो गई, कई सारी ऐसी एनजीओ है जो कि बहुत लार्ज स्केल की एनजीओ है, अगर वो अपने पे आ जाए तो कंट्री की कंट्री को इधर उधर कर सकती है। तो इसीलिए इनका एक रेगुलेशन होना है, एक प्रॉपर वे में चीजों को इंप्लीमेंट करना, क्योंकि बाहर से मान लीजिए कोई एनजीओ किसी कंट्री में वर्क कर रही है, ठीक है, अगर उसको बाहर से पैसा मिल रहा है डोनेशन के रूप में ही मिल रहा है, तो वो क्या कर सकती है, यहाँ पे हो सकता है अगर वो नेगेटिव तरीके से आ जाए तो यहाँ पे लोगों को क्या, यहाँ पे लोगों को हथियार सप्लाई करना स्टार्ट कर दे, जो हथियार खरीद रहे हैं उनको पैसा देना स्टार्ट कर दे, तो कुछ भी कर सकता है अगर वो चाहे तो, गवर्नमेंट को गिरा सकते हैं। तो यहाँ तक भी इम्पैक्ट देखे गए हैं। तो इसलिए हमेशा हमने फॉरन रेगुलेटर एक्ट के तहत भी देखा था, एफआरबीएम के तहत, वो किस तरीके से रेगुलेट किया जाए जो फॉरन से पैसा आता है हमारी कंट्री में, तो वो सारी चीजें भी हमने आर्टिकलों में डिस्कस करी थी। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि अभी नई गाइडलाइन आई है, ठीक है ना, एक अभी नई गाइडलाइन आई गई है, तो उनको किस तरीके से हैंडल किया जाए एनजीओ को, तो ये बताया गया है। ओके, तो इसमें क्या बताया कि देखिए 4 अप्रैल को अभी क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने, सुप्रीम उसको सेंटर ने एक नई गाइडलाइन दी है। तो जो नई गाइडलाइन दी है वो एक टोटल फ्रेमवर्क जिस तरीके का होना चाहिए वो उस तरीके से वर्क नहीं की गई है, ठीक है। देखिए यहाँ बोला गया कि जो आज की डेट में अगर देखा जाए यहाँ पे नियरली 30 लाख एनजीओ वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, पर लेकिन जिस तरीके की गाइडलाइन है उसको मतलब टैकल करने में इनसफिशियंट है, उसको ढंग से टैकल नहीं कर पाएंगे कि किस तरीके से उनको फंडिंग देनी चाहिए, और किस तरीके से उनका सिस्टमेटिक तरीका होना चाहिए, और किस तरीके से उनका ऑडिट होना चाहिए कि कितनी फंडिंग मिल रही है और कहाँ कहाँ वो फंड को यूज कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको प्रॉपर वे में बनाइए, ठीक है। तो यूनियन यूनियन रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री ने फ्रेमवर्क तैयार किया था जो इन एनजीओ का है, ठीक है, और ये काउंसिल फॉर द एडवांस एडवांस ऑफ द पीपल एक्शन एंड द रूरल टेक्नोलॉजी, ठीक है, ये तो का पार्ट, ये करके इसका शॉर्ट फॉर्म हो गया। ये रिकमेंड किया इन्होंने, क्या बोला है, ये रूरल एरिया में वर्क करते हैं और इस मिनिस्ट्री के अंदर वर्क करते हैं, ठीक है, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के अंदर। तो इन्होंने क्या बोला कि अभी फिलहाल हाल में ही लगभग 159 एफआईआर दर्ज कराई गई है एनजीओ के खिलाफ। तो एनजीओ देखिए इसका मतलब कुछ ना कुछ तो नेगेटिव वर्क कर रही है, तो जब इतने सारे केस आ चुके हैं और एनजीओ इतना नेगेटिव वर्क कर रही है, तो ये बोला गया कि इनको प्रॉपर वे में रेगुलेट करो, प्रॉपर वे में हैंडल करो, क्योंकि ये बिल्कुल ग्राउंड लेवल पे वर्क करती है जाके, अगर ये हैंडल नहीं की जाएंगे तो कुछ भी एक केओस क्रिएट कर सकती है सोसाइटी में। ओके, पेज 12 पे न्यूज है ये, देखिए चाइना वाले क्या करने जा रहे हैं, चाइना वाले अपना नेवल पावर न्यू एयरक्राफ्ट कैरियर बनाने जा रहे हैं, मतलब क्या करने जा रहे हैं, ये देखिए इस तरीके का एक जो जिसपे से हवाई जहाज भी उड़ाए जा सकते हैं, तो काइंड ऑफ बहुत ही चीजों में यूज किया जाता है। तो ये इनका फर्स्ट था जो इन्होंने डेवलप किया था, अब सेकंड बनाने जा रहे हैं। सेकंड का नाम जो है टाइप, मतलब अभी एक मतलब नॉर्मल सा नाम रखा गया, अभी एक मोनी कहते हैं एक मतलब ऐसा ही नाम की एक स्टूडियो नेम अभी रखा गया, आगे आने वाले टाइम में उसका नाम रखेंगे। तो टाइप 001 अभी इसको बोल रहे हैं। देख कई सारी कंडीशन खराब हो रखी है, एक तो नॉर्थ कोरिया वाले रीजन में ले लीजिए, नॉर्थ कोरिया वाले रीजन में यूएसए ने साउथ कोरिया में जाके अपनी एंटी मिसाइल जो सिस्टम है वो डेवलप वो लगा दिया है वहां पे, जिसकी वजह से कंसर्न हो गए, जाके कंसर्न किस किस को हो गए, रशिया को भी हो गए, जो थर्ड वाला सिस्टम इन्होंने लगाया साउथ कोरिया में, तो रशिया को भी कंसर्न हो गए हैं, चाइना को भी कंसर्न हो गया, नॉर्थ कोरिया को तो मतलब हो ही गए हैं जितने भी हुए हैं, तो दोनों मतलब बिल्कुल बुरी कंडीशन में घुसे हुए हैं। तो इस तरीके से एक मतलब जिस तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, तो चाइना क्या चाह रहा है, अपना एक नेवल बेस बढ़ाए, जिससे कि कल को कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, कहीं भी अगर वार में भी उतरना पड़ जाए, तो एक प्रॉपर वे में चीजें हैंडल करने के लिए प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए। तो उसके बेस में इसमें जिक्र किया है सारा, कि इसीलिए इसके ऊपर वर्क कर रहे हैं कि किस तरीके से चीजों को डेवलप किया जाए, ठीक है ना। देखिए आगे न्यूज में फिर आएगा, जब बनाया जाएगा तब चीजों को अच्छे से डिस्कस कर लेंगे।
देखिए पेज 13 पे न्यूज है, ये सेंसेक्स से रिलेटेड है। हम लोगों ने मॉर्निंग में एडिटोरियल भी डिस्कस किया था इससे रिलेटेड, तो वहां पे डिटेल में आप लोग चीजें देख लीजिएगा। तो ये इसको देखिए हिस्टोरिक है, ये एक तरीके से लगभग 30 शेयर सेंसेक्स जो क्लोज हुए हैं वो 30,000 के मार्क को भी क्रॉस कर चुका है। फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में हुआ है, इतना ज्यादा कभी नहीं बढ़ा है, ठीक है ना। तो मैंने आप लोगों से क्वेश्चन भी पूछा था बीएससी और एनएससी के बारे में कि दोनों के हेडक्वार्टर कहाँ है, कब कब स्टेब्लिश हुए थे, तो आप लोगों ने अच्छे से आंसर दिया। उसका आंसर अभी हम बाद में बताएंगे। और हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया था कि देखिए कई सारे इंपैक्ट पड़े हैं, डिमोनेटाइजेशन हमारी कंट्री में हुआ है, इतना सारा क्यों बढ़ा है ये डिमोनेटाइजेशन हुआ है। ट्रंप की जो पॉलिसी चल रही है वो ट्रंप प्रेरी चल रही है, ट्रंप की तरह तरीके से। और ऊपर से फ्रांस वाले एरिया में हम लोगों ने मॉर्निंग में देखा था, वहां पे क्या था, वहां पे अभी इलेक्शन होने वाला है, तो वहां पे भी एक अनप्रेडिक्टिव तरीके से कंडीशन बनी हुई है। तो ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर देखा जाए तो इंडिया एक वेरी स्टेबल कंडीशन है, वेरी स्टेबल कंट्री है, जहां पे जो कंपनी है वो एक प्रॉपर में वर्क कर रही है और प्रॉफिट कमा रही है। तो जितने भी एफआईआई होते हैं, ये फॉरेन इंस्टीट्यूशनल जो इन्वेस्टर होते हैं, ये क्या करते हैं, ये जहां पे इनको फायदा दिखता है वहां पे जाके अपना इन्वेस्ट करते हैं। हम लोगों ने मॉर्निंग में डिस्कस भी किया था कि इनको फायदा किस तरीके से हो रहा है, डॉलर वाला जो एग्जाम्पल लिया था मैंने, फिर से बता देता हूँ। एक दो कमेंट आया था कमेंट बॉक्स में कि समझ में नहीं आया मॉर्निंग में ढंग से। देखिए मान लीजिए कोई एफआईआई इन्वेस्टर है, मान लीजिए आप ही है, आप मान लीजिए बाहर से यहाँ पे आके इन्वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने $1 लिया और $1 इन्वेस्ट किया यहाँ पे, तो ये वाला मैंने एग्जांपल मॉर्निंग में लिया था। मान लीजिए जिस टाइम आपने इन्वेस्ट किया उस टाइम पे ₹60 का $1 था, ठीक है। तो आप लोगों ने इन्वेस्ट किया यहाँ पे इसमें स्टॉक में, तो आपका पैसा इधर उधर यूज हुआ, जितना भी हुआ, जितना आपको फायदा हुआ यहाँ पे। तो मान लीजिए आपका जो ये आप काफी आपका बढ़ चुका है, तो इस टाइम जब आपने इन्वेस्ट किया उस टाइम पे ₹1 का $60 खरीदा था, लेकिन अब डॉलर की वैल्यू बढ़ गई, ठीक है ना। डॉलर की वैल्यू बढ़ के क्या हो गई, ₹40 हो गई। मतलब आज की डेट में $1 ₹40 में बिकने लगा। मान लीजिए अगर ये ₹40 में $1 बिकने लगा तो क्या होगा, आपको पहले $1 के ₹60 मिल रहे थे, ठीक है ना। तो आप लोग कह सकते हैं कि मतलब $1 ₹60 में $1 मिल रहा था। पर लेकिन अगर यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल मॉर्निंग में भी इसी तरीके से दिया था, तो क्या हुआ, मान लीजिए अगर 120 रुपए में क्या मिलेंगे आपको, ओनली $2 मिलेंगे। तो अगर आप इस टाइम पे अगर प्राइस यही होता, ₹60 ही होता, तो आप क्या करते, ₹120 में $2 लेके जाते, मतलब $2 लेके जाते ओनली ₹120 में। अब अगर ₹40 का डॉलर हो गया है, तो अगर ₹120 आपकी कमाई हो गई है, तो अब क्या करेंगे आप, $3 लेके जाएंगे अपनी कंट्री में। तो देखिए पैसा यहाँ पे तो बढ़ा है हमारा, ठीक है ना। तो हमारे पैसे की वैल्यू अच्छी हुई है, पर लेकिन अगर जिसने इन्वेस्ट किया था सेंसेक्स में, या तो बीएससी में इन्वेस्ट किया था या फिर एनएससी में इन्वेस्ट किया था, तो अगर उसने इन्वेस्ट किया था तो जितना इन्वेस्ट किया था वो उसके कंपेयर में अब एक तरीके से $3 यहाँ से लेके जा रहा है, तो नुकसान किसको हो गया। अगर पैसे की वैल्यू बढ़ रही है तो नुकसान किसको हो गया, तो बीएससी को हो गया, एनएससी को हो गया, क्योंकि पैसा तो इनकी जेब से जा रहा है ना। क्योंकि जब इन्होंने पैसा लिया उस टाइम पे डॉलर की वैल्यू कम, डॉलर उस टाइम पे रुपए की वैल्यू हमारी कम थी, पर लेकिन आज की डेट में रुपए की वैल्यू बढ़ गई है। बढ़ना देखिए इस तरीके से होता है, जितना पास में जाएगा उतना बढ़ना होता है, और जितना दूर जाएगा 60 हो गया, 70 हो गया और 80 हो गया, ये होता है रुपए की वैल्यू घटना। और जितना पास में जा रहा है 40 हो गया या फिर कल को 30 हो गया, तो ये डॉलर के पास में जा रहा है, एक दिन ऐसा होगा ₹1 की वैल्यू $1 के बराबर हो जाएगी, तो ये रुपए की वैल्यू बढ़ रही है इसका मतलब। तो इस तरीके से हम लोगों ने मॉर्निंग में भी डिस्कस किया था, तो इसको थोड़ा याद रखिएगा। एक ने पूछा था बंदे ने कि किस तरीके से इसको यहाँ पे काउंट करते हैं कि एनएससी को क्या नुकसान होगा, तो एनएससी को इसलिए नुकसान होगा क्योंकि एनएससी को अब ज्यादा पैसे देने पड़ेंगे। अगर ₹60 का ही डॉलर रहता तो एनएससी को ओनली $2 देने पड़ते, पर लेकिन एनएससी को अब $4 देने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से नुकसान होगा एनएससी को, और बाहर वाला जो इन्वेस्ट कर रहा है इसलिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर रहा है क्योंकि उसको इसलिए फायदा हो रहा है। तो इस तरीके से ये एफआईआई वाले इन्वेस्ट करते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ह्यूज इन्वेस्ट हुआ है जब से डिमोनेटाइजेशन, और खासकर 2017 की बात हम लोगों ने मॉर्निंग में की थी कि बहुत ज्यादा यहाँ पे इन लोगों को फायदा हुआ है इन्वेस्ट करने से। ओके देखिए पेज 14 पे ये न्यूज है, ये भी ठीक ठाक न्यूज है, यूज कर सकते हो उसके कहीं पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सस्टेनेबल सेक्टर की बात कर रहे हैं कि अगर सस्टेनेबल हमारे यहाँ पे चीजें चलती रहे तो हमारे यहाँ पे 1 ट्रिलियन की अपॉर्चुनिटी है। मतलब क्या बोला गया, 72 मिलियन जॉब क्रिएट की जा सकती है और 1 ट्रिलियन वर्थ का बिजनेस किया जा सकता है यहाँ पे। तो ये बात बोली गई है, और किस फील्ड में करने की बात कर रही है, फील्ड जो इन्होंने बोला है, एक तो स्पेस में बोला है, ठीक है ना। मतलब कई सारे सेक्टर बोले हैं, स्पेशली किसमें बोला है, फूड हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, ठीक है, और एनर्जी हो गया, कंस्ट्रक्शन हो गया, हेल्थ केयर हो गया। तो ये ऐसे ऐसे सेक्टर है जहाँ पे बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। एक तो जॉब की भी अपॉर्चुनिटी है 72 मिलियन, तो 2013 का ये बोला इन्होंने स्टडी करने के बाद में, ठीक है। पर लेकिन एक बात बोल रहे हैं, इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी हमारे यहाँ पे बहुत ज्यादा है आज के डेट में अगर देखा जाए चीजों को लेके। तो इनइक्वलिटी को इन्होंने बोला है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल से पहले क्या थे, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल थे। ये गोल क्या होते हैं, गोल ऐसे होते हैं जैसे कि यहाँ पे पॉवर्टी से रिलेटेड हो गया, हंगर से रिलेटेड हो गया, तो इस तरीके से गोल, यहाँ एजुकेशन से रिलेटेड हो गया, तो इस तरीके से गोल बनाए जाते हैं कि किसी न किसी तरीके से वर्ल्ड में एक जो एजुकेशन प्रोवाइड कराना, हेल्थ प्रोवाइड कराना, पॉवर्टी को घटाना, तो सब वर्ल्ड में सब मिलकर काम करें इन सब चीजों को घटाने के लिए।
तो इस तरीके से गोल बनाए जाते हैं। तो जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल बनाए गए थे उनका जो टाइम पीरियड था वो 2000 से लेके कब तक था, 2015 तक था। लेकिन अब उसके बाद में जो चेंज हो गया वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल आ गए। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का टारगेट कब हो गया उनका, 2015 से लेके 30 तक हो गया। अब 30 तक जो यहाँ सारे जितने टारगेट इन्होंने दे रखे यहाँ पे आप लोगों को दिख रहे होंगे सारे, तो ये सारे टारगेट इनको मतलब एक लेवल में लेके आना है जितना इन्होंने टारगेट सेट किया है। तो यहाँ पे देखिए रिक्वायर्ड इनइक्वलिटी के बारे में बात की है, पेज उस पे जो टारगेट 10 है, टोटल 17 टारगेट है। तो ये सारे मैंने आप लोगों को पहले ही बोला था, इसमें सारे क्लाइमेट चेंज में 13 आ गया। ये तो इतने अच्छे हैं, अगर इनको आप याद कर लोगे तो आंसर आईटी में बहुत फायदा कर सकते हैं, किसी भी चीज को कंपेयर कर सकते हैं, क्योंकि सारे सेक्टर पुअर्टी, एजुकेशन, हेल्थ और इन्वायरमेंट, वाटर रिसोर्सेज, सारी चीजें यहाँ पे आ गई है एक तरीके से देखा जाए तो। 70 मतलब 17 एरिया की डायमेंशन आप लोगों को यहाँ पे मिल चुकी है, जिनके बारे में आप रेफर कर सकते हैं जब भी कोई आंसर लिख रहे हैं, तो आंसर आपका बहुत अच्छा हो सकता है। ठीक है, तो इनको याद कीजिएगा, बल्कि एक चार्ट ले आइए फोटोकॉपी करा के, उसको चिपका लीजिए आप अपने सामने, 3-4 बार देखिए दिन में, तो याद हो जाएंगे फिर चीजें। नासा ने ये बैलून डेवलप किया है, पेज 18 पे न्यूज है। तो इसमें ये डेटा कलेक्ट करेगा, देखिए डेटा कलेक्ट करेगा नियर स्पेस से रिलेटेड जो भी आसपास का एरिया है, और ये डेवलप कहाँ पे किया गया आप लोगों को याद रखना है, न्यूजीलैंड में डेवलप किया है, काफी मशक्कत के बाद डेवलप किया गया है, क्योंकि बहुत सारे स्ट्रोम और साइक्लोन आ रहे थे वहां पे, बार बार इसको उड़ा ले जा रहे थे जो बैलून को, पर लेकिन अब इसको डेवलप कर दिया गया है। ठीक है ना, 100 डेज के प्लान जर्निंग के बाद, देखिए कोई भी चीज लाइफ में करनी होती है तो प्रॉब्लम आती है, तो फिर प्रॉब्लम आ गई फिर टैकल करो, फिर प्रॉब्लम आ गई फिर टैकल करो, पर एट द लास्ट मोमेंट आप लोग उसको टैकल करके ले जाना चाहिए, अगर आप लगे रहे हो तो टैकल हो जाएगी। ठीक है, तो हमने देखे कल परसों अभी एक न्यूज और डिस्कस करी थी, उसमें बोला था गूगल से रिलेटेड मैंने कुछ डिस्कस की थी न्यूज, उसमें लैंग्वेज से रिलेटेड डिस्कस थी। ठीक है, तो उसका प्रोग्राम का नाम बताइएगा कम से कम आप। ठीक है, उस प्रोग्राम का नाम बताइएगा जो कि जिसके थ्रू गूगल जो 9 लैंग्वेज में इंडियन की उसको कन्वर्ट करने वाली बात चल रही थी, तो क्या था उसका, रिविजन हो जाएगा आप लोगों का। ओके, तो ये बात कर रहे हैं कि डेटा कलेक्ट किया जाएगा खासकर, और न्यूजीलैंड में हो रहा है, इससे पहले भी हो चुके हैं इस तरीके के प्रोग्राम 2015 और 16 में, अब ये फिर से करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए डिटेक्ट करेंगे अल्ट्रा हाई एनर्जी कॉस्मिक पार्टिकल, मतलब एक तरीके से स्पेस से रिलेटेड जो भी पार्टिकल्स वगैरह हैं अर्थ पे किस तरीके से पेनिट्रेट कर रहे हैं, मतलब आप लोग बोल सकते हैं सूरज से कोई किरणें निकल के आ रही हैं, एटमोसफेयर से कोई किरणें आ रही है, अर्थ पे पड़ रही है, तो किस तरीके से अर्थ पे इम्पैक्ट डाल रही है, तो उन चीजों की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो इससे रिलेटेड ये कंप्लीट आर्टिकल था। क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट वाला है कैबिनेट मिशन के बारे में, हिस्ट्री से रिलेटेड है, कैबिनेट मिशन आप लोगों ने सुना होगा कई बार और बहुत सारे क्वेश्चन इससे आते हैं। तो ये कह रहे हैं कौन सी इसकी रिकमेंडेशन नहीं थी, तो कैबिनेट मिशन की रिकमेंडेशन नहीं थी, तो ये देखिए डिवीजन ऑफ द इंडिया इन टू नेशन बेस्ड ऑन द रेफरेंडम, वीडियो को पॉज कीजिएगा और आंसर दीजिएगा। ठीक है ना, तो बेस्ड ऑन द रेफरेंडम, तो रेफरेंडम नाम जैसी कोई चीज हमारे यहाँ पे हुई नहीं है कभी, इसके बारे में तो जिक्र भी नहीं हुआ जब हमारा देश अलग हुआ इंडिया और पाकिस्तान, तो यही इसका आंसर हो गया। ठीक है ना, और बाकी देखिए और भी यहाँ पे जो दो तीन इन्फॉर्मेशन है, बाकी तो 3 पॉइंट तो यहाँ पे दे रखे हैं, इसके अलावा क्या है, इसके अलावा ये है कि देखिए जो कैबिनेट मिशन प्लान आया था इसने अनडिवाइडेड इंडिया बोला था। ठीक है ना, डिवाइडेड जो इंडिया, जो पाकिस्तान की डिमांड थी कि इंडिया को डिवाइड कर दो, उसको इन्होंने रद्द कर दिया था कि डिवाइड नहीं होना है, अनडिवाइडेड इंडिया रखना है हम लोगों को। तो इस तरीके की रिकमेंडेशन यहाँ पे कैबिनेट मिशन के द्वारा दी गई थी, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है डायरेक्ट। इसके अलावा क्या बोला था, जो इंटरिम गवर्नमेंट बनाएंगे, इंटरिम काउंसिल बनाएंगे, उसमें वायस राय का इंटरफेयर सबसे कम रहेगा, वायस राय कोई इंटरफेयर नहीं करेगा उसमें। तो एक तरीके से जो भी सेंटर के, जो जो सेंटर के मतलब आप लोग बोल सकते हैं सेंटर की लिस्ट में जो चीजें आती हैं, या ये बोल सकते हैं कि वो वाले ओनली सेंटर इंटरफेयर करेगा, उसके अलावा जो भी काम है स्टेट अपने आप उनसे रिलेटेड रूल रेगुलेशन बनाएगा और अपने आप उनको फॉलो अप करके चलेगा। तो एक तरीके से ये सारी चीजें इसमें बोली गई थी, कई सारी ये एनवायरमेंट से रिलेटेड है, क्वेश्चन कई बार आ जाता है इस तरीके क्वेश्चन। देखिए बोल रहा है रिड्यूसिंग द एमिशन फ्रॉम द डिफोरेस्टेशन एंड द फॉरेस्ट डिग्रेडेशन, तो इसको RED प्रोग्राम भी बोला जाता है, तो इसके बारे में क्या बोल रहे हैं पोज करके आंसर दीजिएगा, उसके बाद में देखिएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या बोला गया कि ये इनिशिएटिव किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है, यूएन के द्वारा। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन के द्वारा, तो हाँ यूनाइटेड नेशन के द्वारा ही स्टार्ट किया गया है। ठीक है ना, यूनाइटेड नेशन के साथ में इसके मतलब यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ में यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम और यूनाइटेड नेशन एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन की, तो वो सब मिलके इसके अंडर काम करते हैं। ठीक है, तो इनके द्वारा डेवलप किया गया है। ये कह रहा है ये इंटेंडेड टू कवर द बोथ डेवलप एंड डेवलपिंग नेशन, नहीं डेवलप्ड नेशन कवर नहीं करता है। ठीक है, ये याद रखना है, इसमें याद रखने वाली बात है। फिर बोले RED जो प्लस निशान लगा दिया है फॉर द कार्बन ऑफसेटिंग, देखिए किया क्या जाता है इसमें, प्लस निशान लगाने के बाद में जितना भी एक तरीके से एक एफोरेस्टेशन करना है, डिफोरेस्टेशन की बात हो रही है ना यहाँ पे, एफोरेस्टेशन करना है मतलब कार्बन को किस तरीके से कंट्रोल करना है, कार्बन की तरीके से जो ग्रीन हाउस गैसेज निकल के आती हैं उनको किस तरीके से कंट्रोल करना है जिससे कि एक प्रॉपर वे में इन्वायरमेंट का लेवल अच्छा बनाए रखा जा सके। तो इसीलिए इसको यहाँ पे बोला गया है
तो मतलब ये प्रोग्राम जो होता है इसमें मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि बाइंडिंग चीजें, देखिए बाइंडिंग कुछ नहीं थी, सबसे बड़ी बात वो थी, ठीक है ना। एक वॉलेंट्री चेंज है, मतलब वॉलेंट्री प्रोग्राम बनाया गया इसमें, और जब वॉलेंट्री बनाया गया तो जो यूएसए जैसी कंट्री है वो पहले निकल के भाग गई थी, क्योंकि उनको पता था अगर वो इस तरीके के प्रोग्राम में रहेंगे तो उनको पे करना पड़ेगा बहुत ज्यादा, क्योंकि मैक्सिमम जो कार्बन निकाला जाता है, मैक्सिमम जो इस तरीके के मतलब ग्रीन हाउस गैस निकाली जाती है, वो सारी डेवलप्ड कंट्री के द्वारा ही अब तक निकाली गई है, और जिसका असर ऑल ओवर वर्ल्ड मिल रहा है। तो इसलिए उन्होंने इस पर मतलब फोकस करना अच्छा नहीं समझा, और 2005 में जो क्योटो प्रोटोकॉल से रिलेटेड चीजें आई थी, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम है, आप लोग आज की डेट में देख लीजिए पुराना कहाँ जाना है। डोनाल्ड ट्रंप पेरिस क्लाइमेट जो संधि हो चुकी है उस पे मतलब उसको कंटिन्यूस करने के लिए तैयारी नहीं है, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि उनकी कंट्री कितना इंजॉय करती है, कितना ज्यादा ग्रीन हाउस गैस निकालती है, तो वही सब चीजें हैं। तो इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। ओके, ये पूछ रहा है कि IUCN की वल्नरेबल लिस्ट में कौन कौन आता है, तो देखिए सारी याद रखने वाली बात है, इसमें कोई ऐसा कुछ नहीं है, तो इसका बी आंसर है। आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा 2-3 बार, और जिस जिसके यहाँ पे नाम लिखे हैं सबकी एक बार पिक्चर भी देख लीजिएगा, तो थोड़ी माइंड में चीजें सेट हो जाती हैं, ठीक है ना। वल्नरेबल लिस्ट की बात यहाँ पे इन्होंने की है। आगे चलते हैं। आप ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा है कि मेथड नहीं है लैंड कंजर्वेशन का इन सब में, तो इन सब में मैक्सिमम तो आप लोग बता देंगे, जो सबसे लग रहा है थोड़ा सा ये जो लैंड रिक्लेमेशन है इसके बारे में बताता हूँ आप लोगों को, ठीक है ना। वॉच करके वीडियो को आंसर दीजिएगा, ठीक है ना। देखिए यहाँ पे क्या बोला है, लैंड रिक्लेमेशन का क्या मतलब होता है, जिस तरीके से ओशन में से लैंड रिक्लेम करना, ओशन में से लैंड को निकालना, बाहर जो नदी है, नदी मान लीजिए कितने एरिया को, कैचमेंट एरिया को घेरे हुए है, तो एक बाउंड्री बना के वहां पे कि नदी को बस इतने एरिया में से बहने के लिए छोड़ा जाए, और जो ये वाली लैंड है इसको बाहर निकाल लेना, तो इसको प्रॉपर वे में यूज करना, तो इस तरीके से होता है। नदी हो गई या फिर रिवर वगैरह कोई हो गई आसपास में, मतलब लेक वगैरह हो गई, तो मतलब उसमें से जो निकालना और उसको उसको प्रॉपर में यूटिलाइज करना, तो ये भी लैंड कंजर्वेशन में ही आता है फर्स्ट वाला, ठीक है ना। तो लैंड कंजर्वेशन में आएगा, तो फर्स्ट वाला आ गया, तो इसका मतलब ये नहीं आएगा और ये नहीं आएगा, ठीक है, तो इन दोनों में से हो गया कोई सा। आगे क्या कह रहा है, रिलाइंग मोर इरीगेशन, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता है इरीगेशन सर इसका, कि कंजर्व नहीं कर रहे हैं लैंड को, तो ये तो बिल्कुल साइड में हो गया। चेक ऑन द ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग होगा तो ये तो है इसमें, तो इसका मतलब तीसरा, तो इसका मतलब क्या हो गया, देखिए मतलब सबसे बड़ी बुई, देखिए इसको भी कंजर्व करने में यूज किया जाएगा, इसको भी कंजर्व करने में यूज किया जाएगा, और केमिकल किस तरीके से यूज करना है उसको भी कंजर्व करने में यूज किया जाएगा, क्योंकि डिग्रेड हो जाएगी लैंड अगर ज्यादा से ज्यादा आप केमिकल यूज कर रहे हैं। ज्योग्राफी में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि किस तरीके से मतलब लैंड डिग्रेड हो जाती है, और खासकर उसकी जो उपजाऊ क्षमता है वो कम होती चली जाती है, अगर उसको फिर से फर्टिलाइजर, जो केमिकल फर्टिलाइजर नहीं मिल रहे हैं, कंप्लीटली उसके ऊपर डिपेंड हो जाती है, एक नेचुरलिटी लैंड की खत्म हो जाती है, तो उसको कंजर्व करने के लिए कई बार फू जो पत्तियां वगैरह हैं, जो फूस वगैरह उनको जलाया जाता है, जलाने के बाद में यूटिलाइज किया जाता है, तो वो सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें से ओनली जो बच गया कौन सा, इरीगेशन वाला बच गया, तो जो है यहाँ पे सी हो गया इसका, तो टू ओनली एक ऐसा आंसर है जो कि मेथड नहीं है ऐसा कंजर्व करने का, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे बायो इथेनॉल की बात करी है, बायो इथेनॉल, तो बायो का नाम पहले आ गया, तो इसका मतलब सीधी सी बात हो गई कि जो भी प्रोडक्ट होते हैं जैसे घास फूस पत्तियां या फल फ्रूट उनसे बनाया जाएगा, तो ये कह रहा है कि कौन सा इसमें यूज नहीं किया जाएगा, तो बायो इथेनॉल का देखिए पहले तो फॉर्मूला देख लीजिए, इसका होता है 2C2H6O, ये इसका फॉर्मूला होता है, आप लोगों ने नाम सुना होगा इसके, और भी कई सारे नाम लिए जाते हैं जो कि नॉर्मल तरीके से, इसको एल्कोहल भी बोला जाता है, इथाइल एल्कोहल भी बोला जाता है, और ड्रिंकिंग एल्कोहल भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो जो अल्कोहल बनाया जाता है खासकर वो शराब वगैरह है उसमें भी यूटिलाइजेशन होता है इसका, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला है, फर्मेंट, ये फर्मेंटिंग, ठीक है ना, तो प्लांट से बनाई जाती है, नॉर्मल सी बात है। हम लोगों ने जिक्र किया था जब उस टाइम पे सॉरी भारत स्टेज 4 और 5 वाला जब हम डिस्कशन कर रहे थे, जो हम इम्प्लीमेंट करने जा रहे हैं, उस टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इसको ब्लेंड किया जाएगा पेट्रोल के साथ में, तो इससे क्या रहेगा, काफी फायदेमंद होने वाली है ये चीज, ठीक है, तो इसको पेट्रोल के साथ में ब्लेंड किया जाएगा, तो ये तो हम लोगों ने देखा ही था कि हाँ ब्लेंड किया जाएगा, नॉर्मल सी बात है। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो एंड प्रोडक्ट है कम्बस्टन वो ये निकलता है, इसमें हीट निकलती है, वेपर निकलता है, थोड़ी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, तो क्या थोड़ी तो निकलेगी, क्योंकि हम भी अगर नॉर्मल ऑक्सीजन ले रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड तो हम भी निकल रहे हैं, पर लेकिन ये एक क्लीन क्लीन होता है, ये ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा पॉल्यूशन फैलाने वाला है, तो आप इसको क्लीन एनर्जी के तरीके से यूज किया जाता है, इट कांट बी प्रिपेयर बाय फ्रूट, फ्रूट से प्रिपेयर की जा सकती है, नॉर्मल सी बात है, तो इसका ये आंसर हो गया कि इससे प्रिपेयर नहीं की जा सकती, नोट वाला पूछा इसने, ठीक है ना। तो इसके बारे में थोड़ी चीजें याद रखी गई है, शुगर कैन वगैरह से, यीस्ट वगैरह, तो इन सब चीजों से ये बनाई जा सकती है। ओके, आगे चलते हैं, जानने की कोशिश करें नेक्स्ट क्वेश्चन में कि महात्मा गांधी जी के द्वारा जो एजुकेशन की डेफिनेशन थी वो क्या थी, ठीक है ना, एजुकेशन क्या था। तो यहाँ पे बोला है फर्स्ट जो दिया है, यहाँ पे पॉज देखिए, पॉज करके आंसर दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे बोला है कि एजुकेशन मस्ट बिगिन विद द लिटरेसी,
तो लिटरेसी नाम का वर्ड उन्होंने कभी यूज ही नहीं किया है, उनका मतलब ही नहीं था बिगन या स्टार्टिंग वाला, उन्होंने कोई फेज स्टार्ट ही नहीं किया कि यहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए और यहाँ पे खत्म होनी चाहिए। तो उनका मतलब देखिए एक तो ये था कि एजुकेशन एक ऐसी चीज है कि किसी भी लाइफ के किसी भी फेज में आप इसको एजुकेशन को ले सकते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है कि इस टाइम पे स्टार्ट होनी है इस टाइम पे खत्म होनी है। ठीक है, तो ये पहले वाला ही आंसर हो गया देखा जाए तो। आगे क्या बोला है, बेसिक एजुकेशन इन विच द वोकेशनल ट्रेनिंग और द वर्क एक्सपीरियंस इज द अटमोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए वोकेशनल ट्रेनिंग जिस तरीके से किसी भी फील्ड में आप लोग काम कर सकते हैं, पढ़ाई की काम करना स्टार्ट कर दिया या फिर कोई भी उस तरीके से, मतलब बहुत सारे ऐसे फील्ड होते हैं, मतलब कारपेंटरी का काम करना स्टार्ट कर दिया या फिर कुछ भी और चीज बनानी स्टार्ट कर दी, तो मतलब बिजली की थोड़ी दुकानें खोल ली, तो इस तरीके से वोकेशनल ट्रेनिंग जाते हैं डिफरेंट डिफरेंट फील्ड में, जिससे कि आप एक कंप्लीट पर्सन निकल के निकलो। एजुकेशन का मतलब उनके हिसाब से ये था कि एक ऐसी एजुकेशन जिससे आदमी अपना कम से कम पेट पाल सके, ऐसा नहीं है कि डिग्री लेके बाहर निकला है फिर बोल रहे हैं कि यार जॉब कहाँ करे, तो वो उनकी बिल्कुल डेफिनेशन नहीं थी। ठीक है ना, तो यहाँ पे बोला है एजुकेशन शुड बी साइंटिफिक एंड द रेशनल होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए रेशनली और साइंटिफिक, ये इसलिए होनी चाहिए आदमी में अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाना चाहिए, ना कि चीजों को रट के बस पास हो जाए, पता चला कि ये इतने क्वेश्चन आ गए और इसने पार्ट में चाहेंगे बच्चे इनको पढ़ के चले गए और क्वेश्चन दे के आगे कुंजी सी ले ली लास्ट में आगे, तो वो वाली एजुकेशन नहीं थी इनके अकॉर्डिंग। इनके अकॉर्डिंग थी कि आदमी जो चीजों को समझे कि लिखा क्या है, रीड बिटवीन द लाइन्स, मतलब लाइन के बीच में पढ़े, मतलब पढ़ने के बाद में एक मीनिंग निकाल सके उसका, पर पहरे का उसका पर्पज का उस लाइन का कि लिखा हुआ क्या है। वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम इज नॉट ए कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ एजुकेशन। हाँ ये भी सही है, वेस्टर्न एजुकेशन को कॉम्प्रिहेंसिव नहीं मानते थे वो अपने हिसाब से, क्योंकि उसमें भी चीजों एक दे ओरिएंटेशन बेस्ड थी, मतलब ये चीजें कर लो तो आपको ये मिल जाएगा, तो उस तरीके की एजुकेशन डेफिनेशन कभी महात्मा गांधी जी ने दी ही नहीं। ठीक है ना, तो ये भी सही है, तो उसको ऐसे ही मानते थे। ओके, तो ये इसका क्या हो गया आंसर, आंसर इसका हो गया ए। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा याद रखने वाला है, अर्थ समिट की बात करें कि अर्थ समिट के द्वारा स्मॉल ग्रांट प्रोवाइड कराया जाता था जो स्टेब्लिश किया गया था 1992 में, तो किसको प्रोवाइड कराने की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसको आप लोग याद रख सकते हैं। देखिए स्मॉल की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा लोकल एरिया के पहुंचे यहाँ पे, तो लोकल एरिया कम्युनिटी और एनजीओ को प्रोवाइड कराया जाएगा जिससे कि मिटिगेट कर सके जो कि इन्वायरमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, या एफोरेस्टेशन कर सके अगर कोई इसको फॉरेस्ट को या एरिया को डिग्रेड कर रहा है उसको रोक सके, तो इसलिए ग्रांट प्रोवाइड कराया जाता था। तो लोकल एरिया कम्युनिटी के रिलेटेड, आप लोकल एरिया अगर चाहे अगर गाँव में बोल रहे हैं तो पंचायत बोल सकते हैं, और अगर शहरों में बोल रहे हैं तो म्यूनसिपैलिटीज बोल सकते हैं, तो इनको ग्रांट प्रोवाइड कराने की बात यहाँ पे की गई थी। ये यहाँ पे पटन पटोला की बात करी है, ठीक है ना, पटन पटोला, तो ये एंशियंट ट्रेडिशनल थी एक, क्या थी एक, मतलब एक तरीके से आर्ट था कपड़ों को बुनने का, वेस्टर्न गुजरात, ये गुजरात में बात कर रहे हैं, वेस्टर्न इंडियन गुजरात में, ठीक है ना, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं ये इस तरीके कुछ कुछ हुआ करता था, तो इस तरीके कपड़े में इस तरीके की बुनाई करना, कलर वगैरह डालना, शेड वगैरह डालना, तो ये ट्रेडिशन थी, तो इसके बारे में यहाँ पे जिक्र किया गया है। ओके, तो ये गुजरात एरिया में पाया जाता है। ये वाला यहाँ पे सनराइज इंडस्ट्री के बारे में बोल रहा है कि सनराइज इंडस्ट्री का एग्जांपल कौन सा नहीं है, तो सनराइज इंडस्ट्री का पहले बारे में देख लीजिए, सनराइज इंडस्ट्री वे इंडस्ट्री होती है, सनराइज से ही पता चल रहा है, सनराइज जिनका अभी अभी सूरज राइज हुआ है, जो अभी अभी बनी है, जो अभी अभी इन्फेंट है, अभी भी नई इंडस्ट्रीज है जिन्हें बहुत सारा वर्क करने को बचा हुआ है, तो उनको सनराइज इंडस्ट्री बोल देता है। कौन सी नहीं है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री तो बहुत पुरानी है यार, सनराइज इंडस्ट्री में कभी हो ही नहीं सकती है, तो एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, ठीक है ना, तो अब एक तो टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गया, तो दो के हिसाब से ये भी गया ये भी गया, और आगे क्या बोल रहे हैं, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री भी बहुत पुरानी है, ऑटोमोबाइल आज की डेट में नई नई आई है, ठीक है, और ये भी नई नई आ रही है आज की डेट में, फिटनेस विटनेस वाली भी, तो जिसमें टू और थ्री है, तो वो इसका आंसर हो गया, नोट द एग्जाम्पल ऑफ सनराइज इंडस्ट्री, तो क्या आ गया, ए आ गया इसका आंसर, ये गलत कर दिया, एक मिनट इसको फिर से देखो, क्योंकि ऑटोमोबाइल भी जब से टेक्सटाइल स्टार्ट हुआ है, ऑटोमोबाइल भी तब से ही स्टार्ट हो गई थी, आप लोगों ने पुराना ही देखा होगा, नाव वगैरह बननी स्टार्ट हो गई थी, या फिर नई नई पुरानी पुरानी गाड़ियां आप लोगों ने देखी होगी, तो ये भी इसके साथ में ही आ रही है ये, ठीक है ना, ये वाला थोड़ा गलत हो गया यहाँ पे, हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री मतलब नई नई तो ये वाली बनी है अभी। ओके, कंफ्यूजन हो गया थोड़ा इसमें, सॉरी, तो ये वाला इसका आंसर ये होगा, ठीक है, इसका ये नहीं होगा, इसको याद रखिएगा, मतलब कहने का मतलब ये आप लोगों को याद रखना है, जो नई नई इंडस्ट्री बनी है और आज की डेट में जो आप लोगों को दिख रहा है आने वाले टाइम में बूम पे चलेंगी या फिलहाल भी अच्छा खासा वर्क कर रही है, उन जो नई इंडस्ट्री होती है तो उनको सनराइज इंडस्ट्री बोला जाता है, खासकर आईटी सेक्टर वगैरह को सनराइज इंडस्ट्री में ये आते हैं, आईटी सेक्टर हो गया, फार्मा सेक्टर हो गया, अगर ये भी नहीं है तो फार्मा सेक्टर वाली इंडस्ट्री, तो ये सारी सनराइज इंडस्ट्री में आती है। यहाँ पे महलवारी सिस्टम के बारे में पूछ रहा है, आप लोगों ने पढ़ा होगा रैयतवारी के बारे में पढ़ा होगा, जमींदारी के बारे में पढ़ा होगा, तो यहाँ पे महलवारी के बारे में जिक्र कर रहा है, उन दोनों के बारे में आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो महलवारी में क्या हुआ था, महलवारी में तो क्या हुआ करता था कि जो गांव का हेडमैन है वही कलेक्ट किया करता था रिवेन्यू और जाके ब्रिटिश गवर्नमेंट को दे दिया करता था, तो ये वाला ऑप्शन हो गया। तो जो बचा हुआ कौन कौन सा ऑप्शन रहेगा, दो ऑप्शन रह गए, तो दोनों ऑप्शनों का आपको आंसर बताना है कि जमींदारी में क्या क्या हुआ करता था और जमींदारी के अलावा फिर रैयतवारी में क्या क्या हुआ करता था, ठीक है ना। तो देखिए ये जो सिस्टम है
ये इस तरीके का जो सिस्टम था जमींदारी का और ये सब का, जो मेन फोकस था इसका ओनली पैसे इकट्ठे करने का था, ठीक है ना। तो पैसे इकट्ठे करने थे किसी भी किसी तरीके से, तो इसलिए ये सब चीजें यूज की जाती थी। अब ये जो मोरनी में क्वेश्चन देते हैं उनके आंसर दे रखे हैं। देखिए WPI जो होता है और CPI के बारे में बोला था, इन्फ्लेशन को मेजर करने के लिए अकाउंट होते हैं ये, तो ये मंथली होता है और ये वीकली होता है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में क्या था, ये मुंबई में महाराष्ट्र में स्टेब्लिश 1875 में हुआ था और एशिया का फर्स्ट स्टॉक एक्सचेंज है। नेशनल एनएससी के बारे में जिक्र किया था, ये भी मुंबई में स्टेब्लिश 1992 में हुआ था। कैलाश सत्यार्थी की, इनकी एक एनजीओ भी है बचपन बचाओ आंदोलन करके, जिसको बोला जाता है सेव चिल्ड्रन, 1980 में इसको फाउंडेशन किया गया था और इनको नोबेल प्राइज मिला था अभी, नोबेल पीस प्राइज मलाला यूसुफ जाई के साथ में, जो कि पाकिस्तान की है, तो पाकिस्तान के साथ में हमने शेयर किया था, ठीक है। देखिए एक तो है मिशन इंद्रधनुष, तो यहाँ पे मिशन लग गया, तो जहाँ पे मिशन लग गया तो वहां पे चार पांच डिशेज दे रखी है, मतलब चार पांच क्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल 7 डिशेज हैं, इसीलिए इसको इंद्रधनुष बोला गया था। इंद्रधनुष में 7 कलर होते हैं, ठीक है ना। तो ये साइज तो यहाँ पे 7 डिशेज दे रखी है, आप लोगों को डिफरेंस करना है। ये जो वाला मिशन इंद्रधनुष है, यहाँ पे मिशन लगा हुआ है इससे पहले, और जो क्या है इंद्रधनुष प्रोग्राम, वो बैंकिंग सिस्टम में, वो बैंकिंग सिस्टम को, मतलब पब्लिक बैंकिंग सिस्टम को एक ट्रैक पे लाने के लिए किया गया है, कंपटीशन बढ़ाने के लिए पब्लिक और प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम में। तो मिशन जो है वो डिसीज मिटाने के लिए है, और यहाँ पे क्या है ये वाला, इसको वैसे देखना है आप लोगों को। और यहाँ पे चिल्ड्रन अंडर 2 ईयर की एज के, या फिर इसके अलावा प्रेग्नेंट वुमेन, तो उनको सबको इसमें रखा जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद में हम लोगों ने देखिए ये पूछा था कि जो जो स्ट्रेटेजिक क्रूड ऑयल बनाने की बात चल रही है स्टोरेज, वो कहाँ कहाँ पे चल रही है। तो ये वाले 3 एयर पे तो ऑलरेडी लोकेटेड है, ठीक है ना, 3 लोकेशन पे ऑलरेडी लोकेटेड है यहाँ पे। तो जो मैंगलोर हो गया, वो कर्नाटका हो गया, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश हो गया, और ये पेड्डूर हो गया, ये कहाँ पे हो गया, केरला में। तो ये यहाँ पे ऑलरेडी है, पर लेकिन जो बनाने की बात चल रही है और वो उड़ीसा, उड़ीसा में और बीकानेर में, ठीक है ना, राजस्थान में, यहाँ पे अंडर प्रोसेसिंग है जहाँ पे बनाने की बात चल रही है। ओके, तो देखिए जो आप लोगों को पहले बताया था, कई बंदे पूछ रहे पीडीएफ कहाँ से डाउनलोड करनी है, पीडीएफ यहाँ से डाउनलोड करनी है, फिर यहाँ से डाउनलोड करनी है, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अलावा देखिए यार वीडियो पसंद आती है तो प्लीज शेयर कर दीजिए, कीजिए फेसबुक पे, जिससे लोगों तक पहुंच जाए और भी, और इस आंसर क्वेश्चन का आंसर दीजिए। एग्जाम आ रहा है, जितना फायदा रहेगा, जितना आंसर दोगे उतना ही ज्यादा फायदा रहेगा। और इसके अलावा कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, जो भी है यार शेयर कीजिए। और इसके अलावा क्या बोलूँ, बस इंजॉय रहिए, इंजॉय कीजिए अच्छे से, और हेल्प करते ही रहे एक दूसरे की यार, और क्या कर सकते हैं, बस जितना हो सके अपनी साइड से ट्राई कीजिए। थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।